दतिया में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर हंगामा और एक परिवार ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का है। परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। समस्या का समाधान ना करने पर आरोप भी लगाया है और लगातार आरोप लग रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने बचाई है परिवार की जान। नगर पालिका के सीएमओ पर आरोप लगाया है। मकान की दीवार को गिराने का भी आरोप लगाया है। पुलिस पर भी सहायता ना करने का आरोप लगा है। 2 महीने पहले ही कलेक्टर ने दीवार को सही बताया था और सही ठहराने के बाद भी दीवार गिराई गई। कलेक्टर ने सीएमओ को तलब किया और कलेक्टर ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कलेक्टर ने दोषियों पर कार्रवाई की बात तो कह दी, एक परिवार ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। मेरी जानकारी में कल लोग आए थे और ये बात भी सही है कि कुछ दिन पहले जन सुनवाई में आए थे और एक लैंड को लेकर डिस्प्यूट था और उस समय दोनों पक्षों को सुनकर के जो उचित लगा था मैंने निर्णय कर दिया था। उसके बाद कल पीड़ित पक्षकारों ने बताया कि नगर पालिका और स्थानीय पुलिस के लोग गए और उसने जो दीवार बनाई थी उसको तोड़ा है। मैंने सीएमओ से जानकारी प्राप्त की है तो वो जानकारी मुझे देंगे और यदि वो बिना वैधानिक आदेश के हटाने का प्रयास हुआ होगा तो उसकी जो डैमेज होगी संबंधित अधिकारी उसको ठीक कराएंगे।